हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है यू और वी, या वन बाई यू और वन बाई वी में ग्राफ प्लॉट करें और वहां से कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकालें। फोकल लेंथ सिर्फ कॉन्वेक्स की आएगी क्योंकि वो पॉजिटिव होती है, रियल होती है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा वर्चुअल होती है, इसलिए वो नहीं निकलेगी। ठीक है, कैसे, वो हमें आज का लेक्चर पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेई ने भी 2008 और 9 में उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, कैसे क्या पूछा था वो हम देखेंगे आज। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात क्या करें, लेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक, यहाँ से इसको इधर ले आओ, तो 1/v इसको इधर ले आओ, 1/f = 1/u हो गया। यहाँ से अगर देखा जाए ये कांस्टेंट है, तो v u अगर इंक्रीज होता है, 1/u अगर इंक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज होगा। बट हमारी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि ऑब्जेक्ट अगर इधर से दूर जाता है, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर से दूर जाता है तो इमेज इधर आती है, अपोजिट होता है ना भाई। u अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा तो ये भी घटना चाहिए, ये बढ़ेगा, पर यह उल्टा है, u अगर बढ़ता है तो घटता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, टेक u नेगेटिव, क्लियर है मेरी बात। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 1/v = 1/f - 1/u। कुछ बुक वाले इसको u को माइनस एक्स कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। क्या इतनी बात समझ में आई, इट कैन बी रिटन एज 1/v = -1/u + 1/f। ठीक है, कंपेयर इट विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y = mx + c। तो y की जगह क्या है, 1/v लिखना चाहूँ तो मैं, बोलो m क्या है, -1 स्लोप, और x की जगह क्या है बेटा, 1/u, और c इंटरसेप्ट क्या है, 1/f। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं, ओके। तो यहाँ से हम सीधा स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या आता है, -1, और स्लोप क्या होता है बेटा, टेन थीटा। आप बताओ टेन थीटा = -1, तो ये कौन से एंगल पे होता है, टेन 135, इतना तो पता होगा, लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब मेरे पास अगर जो ग्राफ बनने वाला है 1/v और 1/u, -1/u हमने माइनस कर लिया है, तो ये ग्राफ कैसे आने वाला है, इस टाइप से, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, 135 का एंगल तो ऐसे ही बनेगा, स्ट्रेट लेते तो 45 का आता, क्लियर है। तो ये अगर 1/u इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, क्लियर है ना, बात समझ में आ गई, ओके। इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ये ऐसे होगा, क्लियर है, ठीक है। अब और क्या किया जाए, इसके अंदर मुझे स्लोप का पता लग गया, ग्राफ कैसा आएगा इसका पता लग गया, इसके बाद क्या किया जाए, अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ मैं सीधी 45 के एंगल पे, 45 का मतलब बीचों बीच का मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर, 1/u 1/v बराबर, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, कैसे क्या देखते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, ओके। यहाँ देखो एट पॉइंट पी u = v, पी पॉइंट के ऊपर u और v बराबर है, पी पॉइंट के ऊपर u और v बराबर है, तो क्या होगा, पी पॉइंट के ऊपर यू और वी बराबर है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, या इसकी वैल्यू जो देखो, तो फॉर्मूला क्या था, 1/v = 1/f - 1/u, अरे हाँ या ना, ठीक है, यू और वी बराबर है तो यहाँ रखो 1/v 1/f v, इसको इधर ले आओ 2/v 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई v = 2f, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मैंने u को v रखा, v को u रखो,
वी को यू रखो, इसको इधर ले आओ। इसका मतलब यहां यू और वी की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ या ना? अरे बोलो। और दूसरी बात, ये यहां पे नेगेटिव है तो इसको माइनस का ले लेंगे, हाँ या ना? माइनस टू एफ, माइनस टू एफ। और दूसरी अच्छी बात ये है कि यू नहीं है, वन बाई यू है, वन बाई टू एफ माइनस वन बाई टू एफ, ये वैल्यू आ गई पी पॉइंट की। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, यू और वी बराबर यहाँ पे क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ये। ओके, ऑल्सो वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ माइनस वन बाई यू। यहाँ की बात करें, यहाँ की अगर बात करता हूँ तो वन बाई यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। माइनस वन बाई यू जीरो, तो ये जीरो। वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ, वी इक्वल टू वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ, तो ये किसके बराबर हो गया, वन बाई एफ। ठीक है, ऑल्सो अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाता है तो वन बाई वी जीरो, वन बाई वी जीरो करेंगे तो क्या होगा, वन बाई एफ माइनस वन बाई यू जीरो, वन बाई एफ वन बाई यू, वन बाई यू वन बाई एफ के बराबर, तो माइनस का वन बाई एफ। इसका मतलब क्या हुआ, एंड पॉइंट पे ये वन बाई एफ के बराबर है और यहाँ टू एफ। तो एक बार क्वेश्चन आ जाए, मान लो या आ गया हो, मुझे ध्यान नहीं है, टू एफ करके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर। ओके, ठीक है भाई, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यू और वी का ग्राफ। अभी तो था वन बाई एफ वन बाई यू, यू और वी का ग्राफ, यू वी ग्राफ, यू वी ग्राफ क्या कहता है वो देखो। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और, आपसे पूछा वी और यू का, वन बाई वी वन बाई यू का ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ ऐसे ही बन सकता है। यहाँ वन बाई वी था, अगर मैं यहाँ वन बाई यू लेता हूँ तो दूसरा वन बाई यू माइनस का इधर आएगा, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये माइनस का वन बाई एफ, ये वन बाई एफ, ये कोऑर्डिनेट्स, समझ में आ गई बात? वही बात है, वही ग्राफ है, सिर्फ ये वन बाई यू है तो माइनस का वन बाई यू ये हो जाएगा। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना। वो उस साइड मैंने माइनस का मान लिया, मान लो ये प्लस लेके ऐसे करूं तो ये कोऑर्डिनेट्स है, मैथमेटिक्स है, कर सकते हैं। अरे समझ में आ गई ना बात, इधर एक्स एक्सिस है, इधर माइनस एक्स एक्सिस है। ओके, यू वी ग्राफ, अब यू वी ग्राफ क्या कहता है वो देखो। पहले मैं मान के चलता हूँ ये वी है और ये यू है, माइनस का यू ले लें, अगर मैं अगर यहाँ प्लस का लेता हूँ तो माइनस का इधर आ जाएगा, एक ही बात है। तो वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ माइनस वन बाई यू, अभी अभी पढ़ा ना, प्लस का आया था यू को नेगेटिव ले लिया हमने, प्लस का आया था यू को नेगेटिव ले लिया। ठीक है भाई, इफ़ यू इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर यू इन्फिनिटी तो एक बटे इन्फिनिटी जीरो, वी इक्वल टू एफ। ठीक है, इफ़ वी इन्फिनिटी, अगर वी इन्फिनिटी वन बाई इन्फिनिटी जीरो, ये इधर आ जाएगा यू इक्वल टू एफ, ऐसा मिरर में भी आया था। इसका मतलब यू इन्फिनिटी है, या माइनस का यू ले लो, एक ही बात है, माइनस का यू इन्फिनिटी है तो वी फोकल लेंथ के बराबर आ गया था, और वी अगर इन्फिनिटी है तो यू एफ के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वी जब इन्फिनिटी जाएगा तो यू फोकल लेंथ के बराबर होगा, तो ये ग्राफ इस टाइप से आएगा। आई बात समझ में? ये जो वी इन्फिनिटी है तो यू कितना आ रहा है, फोकल लेंथ के बराबर, और जब यू इन्फिनिटी है ये इसके बराबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये यहाँ कट कर रहा है, माइनस का यू जब इन्फिनिटी चला गया तो वी की वैल्यू, जब ये सीधा हो जाएगा तो वी की वैल्यू क्या आती है, ये
कितनी आती है फोकल लेंथ के बराबर, ये माइनस फोकल लेंथ के बराबर, हाँ या ना। अरे भाई यू इन्फिनिटी का मतलब ये सीधा, तो किस वैल्यू के ऊपर, एफ़ के ऊपर। वी इन्फिनिटी किस वैल्यू पे, माइनस एफ के ऊपर, क्योंकि यू हमने नेगेटिव लिया तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की वही 45 के एंगल पे, ये पॉइंट पी बाइसेक्ट करता है, पी बाइसेक्ट्स, सो यू इक्वल टू वी। पी अगर बाइसेक्ट करता है तो यू और वी बराबर, सो वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ माइनस वन बाई यू। पुट यू इक्वल टू वी, तो वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ माइनस वन बाई वी। इसको इधर ले आओ, टू बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ, वी इक्वल टू टू एफ। सिमिलरली यू इक्वल टू टू एफ, यू अगर नेगेटिव है तो ये हो गया माइनस का टू एफ और ये हो गया टू एफ। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोऑर्डिनेट्स आ गए। और अगर मैं इसका परपेंडिकुलर यहाँ लूँ तो ये माइनस का टू एफ, ये टू एफ। आई बात समझ में, ओके। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इन यू वी ग्राफ फॉर ए लेंस। जेई ने 2009 में पूछा था ऑनलाइन क्वेश्चन, कुछ था कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट क्या है, टू एफ टू एफ, सवाल ख़त्म। ठीक है, ये ग्राफ बनाया वी और यू के बीच में। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई, जेई ने यू वी ग्राफ पूछ लिया था 2008 में, ऑप्शन दे रखे थे, चार बच्चे कन्फ्यूज। यू वी ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स लेंस, अब हमने तो ऐसे बनाया था, ऐसे ही बन सकता है। इधर u ले लिया तो ये माइनस का u, ये v, ये इधर, ये इधर, ठीक है ना, और ये इधर, तो ऐसे भी ग्राफ बनाया जा सकता है। ये सर नो 2008 में जेई ने पूछा था ऑनलाइन, चार ऑप्शन दे दिए थे, ये ग्राफ दे दिया यू वी, आपको ऐसे ग्राफ दे दिया, ठीक है, और एक ग्राफ आपको वी और यू, एक ग्राफ आपको वी और यू में ऐसे दे दिया। अब आपको डिसाइड करना है यू और वी, यू तो नेगेटिव लिया था तो अगर ये नेगेटिव लेंगे तो सही, अदरवाइज तो ये होगा, ठीक है ना, एक दो तीन, और एक ग्राफ आपको शायद यू दे दिया था तो ये सही है। समझ आई बात, तो जेई कई बार पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो मेरे ख्याल से यू वी ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, वन बाई यू वन बाई वी ग्राफ क्यों प्लॉट करना है, और यू को नेगेटिव क्यों लिया, और फोकल लेंथ कैसे आएगी, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई नीट इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछ चुकी है और पूछती रहती है, तो अच्छे से तैयारी करना है, इसकी प्रैक्टिस करना, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो ज़रूर प्रैक्टिस करें, या कभी फ्यूचर मिले तो याद आ जाएगा आपको कि ऐसा कुछ था। आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।